संजय गुजरात से है आप, कब से काम कर रहे थे आप? मैं सर 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। गुजरात में कहाँ से है आप? मैं राजकोट जिला गोंडल तालुका से हूँ। गोंडल तालुका, तो गुजरात में आपका शॉप कौन सा मार्केट में है? मेरा सापर में है, मैं तो जॉब करता हूँ। अभी कस्टमर मोबाइल ला के देंगे, बना सकते हैं? हाँ बना सकता हूँ। पहले मैं जो काम करता था वो मेरे को आता था, मगर चार्जिंग सॉकेट रिंगर स्पीकर वही अपडेट नहीं था, क्योंकि जो भी फॉल्ट थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो हम कर नहीं पाते हैं, तो वापस जा रहा था। उससे हमको तो परेशानी नहीं होती है, परेशानी होती है सेठ लोगों को, क्योंकि उसने हमको सैलरी पर बिठाया है और पूरा काम करके नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने यहाँ 20 दिन नहीं आया होता और वहीं काम करा होता तो अभी मैं वैसा ही होता, अपडेट नहीं हुआ होता मैं। अच्छा। अभी 20 दिन मैंने निकल दिया है और मैं अभी पहले मैं करता था तुक्के से, काम मेरे से हो जाता था, कह चलो रिपेयरिंग हुआ तो हो गया तो चलो अच्छा है। अभी मैं पूरा ट्रेसिंग करके समझ के करूँगा तो और ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। वाह, अभी कर सकते काम? अभी कर सकता हूँ, अभी मैं रिबोलिंग में तो मास्टर हूँ। वाह देखो भाई, मैं अपने आप से कहता हूँ, दूसरे को नहीं कहता, रिबोलिंग और बिठाने में मैं मास्टर हूँ। सीपीयू लगाने में कोई भी 4G? हाँ नहीं, सभी करता। देखो अपने से बोल रहे मास्टर है, मैं सिखा के पैसे देके तो नहीं बोला आपको? नहीं मैंने आपको भी नहीं बोला, बुलाऊंगा बोल के तो नहीं बोला। मैं आपको भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आपसे बोल रहा हूँ। देखे भाई, देखो ये कब आता कॉन्फिडेंट? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी आता है ऐसा। अच्छा आपसे एक और चीज, यहाँ पे थोड़ा लाइव थोड़ा खरीब हुआ वही मैं पूछना चाहूंगा, सबसे पूछ रहा हूँ भाई। अभी आजकल चल रहा है 5,000 रुपए दो और दुकान में बैठ के काम सीखो, ठीक है? ना टूल्स खरीदो, ना यूएफआई खरीदो, ना कोई बॉक्स खरीदो, 5,000 में सीखो, बाकी के तुम्हारा आने के जो 20 दिन है वो बच जाते हैं और वहीं बैठ के सीख लो। क्या पॉसिबल है क्या भाई? नहीं, आप बताओ भाई। मैं एक से पूछ रहा हूं, यूट्यूब में तो पहले यहाँ आने से पहले बहुत वीडियो देखे है, मगर देखने में और करने में बहुत फर्क है। जब तक यहाँ आप यहाँ आके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा। आप अभी तक नहीं आए हो तो आप कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी देख लो किसी का भी, आपको वो जो बंदा काम करता है ऐसा आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको यहाँ आके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखा जो सर सिखाएंगे वो करोगे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस और आपका हैंड स्किल अच्छा होगा। अगर हम बोले आपको आप दुकान में ही बैठो भाई, ठीक है, हम यहाँ से टीवी में जो बोले ऐसा करो, पॉसिबल है क्या? नहीं, अभी हाँ देखो सामने साथ में 20 दिन साथ में रहने के बाद में ये लेवल तक जाते अपन, और सोचो 1 घंटा एक बंदा पढ़ा रहा है 4,000-5,000 रुपए ले रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर मत जाओ, घर में बैठ जाओ। तो अब एक बच्चा डेली स्कूल भेजते अपन बच्चों को, और एक बच्चा ऐसा फोन पे पढ़ रहा टीचर से। कोरोना में चल रहा था ना भाई, कोरोना खत्म हो गया भैया, जाग जाओ क्या अभी ये कोरोना ही समझ रहे हैं, गलतफहमी में है। कोरोना खत्म हो गया, जाग जाओ, घर बैठे कुछ मिलता क्या भाई? नहीं मिलता सर। आज तक किसी को घर पे कुछ नहीं मिला भाई? नहीं मिला, बाहर निकलना पड़ेगा। कस्टमर घर पे आएगा कि दुकान पे आएगा भाई? दुकान पे आएगा। तुम बोलेंगे घर पे ही बैठ जाओ, वहीं लाके दे देते, भिजा देते कस्टमर। अभी कल के दिन बोलेंगे ये लोग तुम घर पे ही रहो, कस्टमर भी वहीं भिजा देते। हम क्या लेडीज लोग है क्या भाई, हाथ में छुरी पहन के बैठे क्या? अब ऐसे भी बहुत सारे लोग निकल गए भाई, भैया क्या कर सकते बोलो। ठीक है, घर पे अगर बैठे हो जाता तो हम यहाँ इतनी दूर यहाँ क्यों आते हैं? हाँ, प्रैक्टिस करनी है, सब फोकस करना है, सब देखना है, यहाँ से पूरा सीख के जाएंगे तो वहाँ काम कर पाएंगे। अब घर बैठे बैठे आ जाता तो वीडियो हमने बहुत देखे है, सबके देखे है, ऐसा नहीं है तो वही नहीं आ जाता हमको। मौसम बारिश में तो कीड़े बाहर निकल तो 5,000 रुपए में भाई इतना मोबाइल कितने महंगे अपने बताओ भैया। अभी जो सैमसंग के मोबाइल आ रहे हैं 1,10,000 का, आईफोन आ रहा है 1,70,000 का, तुम मोबाइल का वैल्यू भी नहीं है उतने पर, उसमें कहाँ से सीख लेंगे भाई? तो बच्चों को क्या बना रहे भाई? अब पूरे गालियां भी बोल सकते हैं आप, पूरा यही बना रहे, तो इसमें किसी का कुछ फायदा नहीं होता भाई। इसलिए मैं कल एक वीडियो बना के डाल दिया। क्या बोल रहे हैं इमरान? सी कहते भाई, सी बी सी डी उसका 5,000 भी गया समझो, घर बैठे गया घर बैठे। अच्छा वो गया जाने दो भाई। अभी क्या बोल रहे हैं, हमारे पास से UMT खरीद लो, UMT काम ऑन कर लगेगा आपको, UFI ले लो ऐसा बोलेंगे, अनलॉक टूल ले लो। यहाँ पे कुछ टूल्स तो नहीं बेचा मैं आपको? नहीं बेचा ना भाई। एक चीज है मैं बोलता हूँ बच्चों को, बोर्नियो यूज करो, है ना, डायग्राम कोई भी डायग्राम लो, बोर्नियो लो, प्रग्मा फिक्स लो, और एक कौन सा था स्टेक नया आ गया, कोई भी लो, क्यों जरूरत है वो? बहुत जरूरी है बोर्नियो में। दूसरी बात है कि मैंने टूल के लिए फोर्स किया नहीं, मैंने फ्री में भी बताया काम, जो काम हम फ्री में भी कर सकते हैं जरूरी है कि टूल पे भी करना है क्या? नहीं, फ्री में नहीं होता, सिर्फ टूल में होता, ऐसा है क्या? 50,000 लाख रुपए डाल के
मैं वो काम फ्री में भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये ट्रिक आपको मिली नहीं मिली? सब चीजें मिली मिली। कोई भी ऑनलाइन का फोन फ्लैशिंग करना है, कैसे भी करना है, जो टूल की सदी से करता है वो हम फ्री वाले टूल से कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते सर। डाटा बचा के या किसी का आईमी उड़ाने से बेटर है, या किसी को अगर डेड रिस्क भी बताया आपको, सब चीज बताया, तो अभी यहाँ पे सब लोग समझ में आ गया ना कॉन्फिडेंस। देखो अगर टूल बेचना है तो वो तरीका आपको बताएंगे नहीं, बोलेंगे ये लेंगे तो ही होगा। तो बच्चे तो फ्रेशर रहते वही, तो उन्हें क्या समझते टूल लेंगे तो बहुत सारे अपने यूएमटी में हो जाते, थोड़े यूएफआई में हो जाते, थोड़े फ्री के टूल्स में काम हो जाता। तो वो चीज आपको बताएंगे नहीं कभी भी, हाइट रखेंगे आपको, बोलेंगे ये खरीद लो ये खरीद लो। वो दुकान में बैठ के खाली खरीदता ही रहेगा, काम कभी नहीं कर सकता बच्चा। फिर उसके बाद में सोचता है सारे जगह पे ऐसा ही होगा, सब एक जैसे होंगे, समझ के वो दूसरों को भी वैसे ही समझेगा। फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वैसे ही है सर, टूल ही बेचते हो पहले, ये लेना पड़ेगा ये लेना पड़ेगा अगर तो टूल लेंगे तो काम सिखाएंगे, नहीं तो क्या कर सकते भाई। बाकी गुजराती में थोड़ा बताओ, कोई आना चाहे क्या बोलना चाह रहे? गुजराती भाइयों ने तो कोई समझो नहीं, जरूर छे नहीं पहला तो जो एने वधारे सीखू होय एने अपडेट थवू होय, कारण के मोबाइल अपडेट थई रह्या छे। तो तमारे रीतना अपडेट थवू होय तो तमारे 20 दिवस भूली जाओ तमारा घर ने, अने आवी जाओ एकवार एकडे फोन फिक्स हैदराबाद में, अने पछी जुओ तमारामां केटलो कॉन्फिडेंस अने केटलो तमारामां अपडेट आवी जाय छे। अच्छा एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं टाइम पास करने, हंसी मजाक करने, घूमने करने वाले बच्चे आना है क्या यहाँ पे? नहीं यहाँ कोई घूमने वाले। कैसा बंदा आना यहाँ पे अगर आना है तो? ये आना है तो पूरा दिन सुबह 8 बजे से रात के 8:30 बजे तक कंटिन्यू यहाँ क्लास रहती है, और रूम पे जाके भी खाना खा के सब लोग डायग्राम और जो नहीं आता है हमको वो एक दूसरे से शेयर करके अपना पक्का करते हैं। अभी क्या है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, बहुत सारा इंस्टीट्यूट में मैं देख रहा हूँ अभी, बच्चे खुद आके बताए मुझे कि टीचर खुद एक दो दिन नहीं आते, हमारे को छुट्टी दे देते, या फिर कभी आ भी जाए तो एक दिन घुमाने लेके चले जाते। ये बहुत अच्छा चार मीनार है यहाँ पे फेमस है सर, मैं लेके तो नहीं गया भाई, हैदराबाद की बिरयानी है खिलाने तो नहीं लेके गया। नहीं नहीं कहीं 20 दिन तो कंटिन्यू एक यहाँ बैठ के टीचर घर के घरेलू बातें कुछ स्टोरियां तो नहीं सुना रहे भाई, हंसी मजाक करते तो नहीं बैठे? अगर वैसा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कर सकते, हमारा टाइम खराब होगा? किसका टाइम खराब, हमारे पास सिर्फ 20 दिन है। हाँ कभी ऐसा दिखा आपको टीचर छोड़ दिए क्या भी कर लो बैठ जा रहे चले जा रहे छोड़ के? नहीं, चाहे हार्डवेयर ध्यान प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, एक दिन भी संडे मंडे छुट्टी नहीं दिया? छुट्टी नहीं है इधर। रात में सब लोग कब तक रात में बना रहे थे डायग्राम? हाँ रात को 1 बजे बना, 1 बजे तक, 1-2 बज जा रहे आप लोगों के? तो मेहनत अपन करे तो आप करते हैं हमारे लिए है ना ये सब। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास भाई, संदीप विश्वकर्मा के लिए जोरदार क्लास। संदीप कहाँ से है आप बताओ? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ। छत्तीसगढ़ से है कोरबा से, कब से काम कर रहे थे आप? मैं 12-13 साल से। 12-13 साल से काम कर रहे थे, अभी क्या ऐसा लगा कि अपडेट होना पड़ा? अभी क्या है सर, 12-13 साल से काम कर रहे थे, इस 20 दिन में मैं मतलब यह लग रहा है कि 12-13 साल एक ही बार में कम्प्लीट हो गया। वाह क्या बात है, देखो कितना अच्छा अल्फाज बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिए सब लोग। 20 दिन में ये जो 12 साल इनके वेस्ट हुए थे वो कवर किए हैं ना, दिल से बोल रहे भाई। पहले क्या इतना आसान था, अब मैं आया हूँ पूरा मतलब एक एक चीज, मतलब ये है कि मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, मैं खुद कर सकता हूँ, किसी को देने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं। पहले दूसरों को देख के आधा पैसा देना पड़ता था, होगा ऐसा होता है, खुद कर सकते ना अभी। क्या है मेरा सेट है अनवर नाम है, सब्बीर नाम है उसका, तो मेरे को बोला था कि एक बार ट्रेनिंग के लिए आ जाओ 1-2 महीना, मैं आपको सैलरी दूंगा सर के घर में हूँ। मैं बोला ठीक है सर के, तो मैं वो मेरे को भेजे, तो उसके थ्रू मैं आया। फिर मेरे को एक दोस्त बताया कि फोन फिक्स एक है हैदराबाद में, वहाँ चले जाओ। फिर वो कहीं और से ट्रेनिंग लेके आया था, लेकिन वो बताया कि अच्छा ट्रेनिंग लिए किसी और इंस्टीट्यूट में, बट भेजे आपको फोन फिक्स को जी। और जो भी अनवर भाई जो भी आपको भेजे उनको भी एक बार, उनके लिए एक बार क्लैप करो भाई, बनने का लाइव बनाने के लिए। आजकल कोई किसी के ऊपर 1 रुपया भी लगाना नहीं चाहते, ठीक है? किसी के मैं हर बैच में देखता हूँ, 1-2 बच्चे ऐसे आते हैं जिसको जैसा उन्होंने है, उनके भी चाचा उनके मामा कोई भेजे, उनको भी इनको भी कोई एक सेट है तो पैसे लगा के भेजे। तो आपका भी अभी बहुत बच्चों को देखा मैं, आपका भी एक फर्ज बनता है, एक बंदा आपको आगे लेके गया लाइफ में, तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ना भाई। जी बिल्कुल नहीं है ना भाई, जो पैसे लगा के आपको आगे बढ़ा रहा, तो अपन क्या करते थोड़ा हवा में जाते ही सबको छोड़ देते, तो ऐसे बंदों के साथ भी रहना जो अपने को आगे लेके आए। आपका देखा मैं डायग्राम वगैरह लैपटॉप में बना रहे, आप कैसा बना रहा अभी? ठीक है, अभी यहाँ पे आने के बाद में जो सर्किट पढ़ाया आपको, जो आईसीएम की अभी डाटा शीट बना रहे आप, समझ में आ रहा है कि कॉपी करके बना रहे? नहीं नहीं पूरा समझ में, मतलब एक एक चीज पार्ट मतलब देख कर मैं अपने खुद से बना रहा हूँ। अभी जाके काम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ से कोरबा से। कोरबा से, ठीक है, एक बार इनके लिए भी जोरदार क्लैप, कंग्रेचुलेशंस।
करते रहे, सभी अच्छा है। जो सोच के आए थे मिला? हाँ सर। अभी जाके काम कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कहाँ से आप वैसे? कर्नाटक में? रायचूर सर। रायचूर डिस्ट्रिक्ट से है। और कब से काम कर रहे थे? मैं 3 साल से कर रहा हूँ सर। कितना चेंजेस आ गया अभी? अभी तो फुल चेंजेस आ गए। फुल चेंजेस आ गए। आप जाके मार्केट में खाली हिला देना है पूरा। क्या एक बार जोरदार क्लास भाई इनके लिए। थैंक यू वेरी मच।